गैरसैंण सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देहरादून के गांधी पार्क कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेतृत्व में कांग्रेसियों के ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुई कथित धांधली की सीबीआई से जांच की मांग भी की है। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर भी प्रीतम सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने पहली बार कोई भर्ती परीक्षा की लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। पार्टी ने साफ कहा कि गैरसैंण सत्र में भी वह सदन के अंदर सरकार को घेरेगी। आज मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं भर्ती में भयंकर घोटाला। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लोगों ने जो है सरकार के इस वादे पर विश्वास किया। भाजपा की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी आपके सामने। आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आटा दाल चावल सब्जी दूध गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।